दिल्ली में लिव इन पार्टनर आफताब द्वारा श्रद्धा की जघन्य हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली के मेहरौली में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड में एक के बाद एक नई कड़ी सामने आ रही है। पुलिस लगातार छानबीन में जुटी है। मैं खड़ा हूं मेहरौली इलाके के छतरपुर पहाड़ी की गली नंबर एक में। जी हाँ, गली नंबर एक के 93/1 का यह मकान, यह वही मकान है जहाँ पर शातिर आफताब रहता था। शातिर आफताब जिसने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए और उसके पूरे शव के टुकड़े फ्रिज में दफन करके बाहर जंगलों में फेंकता रहा। इस मकान की पहली मंजिल पर शातिर आफताब रहता था। आप देख सकते हैं यहाँ से ये दिख रहा है, हम आपको भीतर भी लेके चलते हैं। मैं पहुंच गया हूं आफताब के कमरे के बाहर। आप देख सकते हैं कमरे पे लॉक लगा हुआ है। हाँ, इसकी खिड़कियां जरूर खुली हुई हैं और भीतर का नज़ारा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। भीतर कुछ कपड़े फैले हुए हैं और सामान अस्त व्यस्त है। किसी बैचलर की तरह ही यह रूम दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से यह शांति है यहाँ बनी हुई, आफताब शातिर आफताब ने जो कांड किया है वह किस तरीके का है, जिसकी दहशत पूरे इस मोहल्ले में फैली हुई है और देश और दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। इस कमरे को देख के उसका अंदाज़ा तो नहीं लगता, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं यहाँ जिसको देख कर जो उसने कांड किया है उसको हम ज़रूर समझा सकते हैं आपको। आप देख पाएंगे नीचे ये एक दफ्ती का टुकड़ा है, थर्माकोल है, यह उसी फ्रिज का हिस्सा है जिसमें आफताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करके जमा किए। इसी थर्माकोल और इसी पैकेट में बंद होकर वह फ्रिज आया था, नया नया फ्रिज। तय बात है चूँकि उसकी साजिश का हिस्सा यह फ्रिज था, तो कहीं ना कहीं यह फ्रिज लाया ही इसीलिए गया था कि उसमें उसके लाश के टुकड़े रखे जाए। आशुतोष, बड़ी मतलब मैं क्या कहूँ, शातिरपना तो उसका देखने में अभी नज़र आ रहा है बाहर हमारे पास सामने, जो दो दिन के बाद भी इस तरीके के टुकड़े बचे हैं। देखिए उस टुकड़ों में क्या क्या कहानी है। एक है वार्मर, अभी इतनी दिल्ली में वो नहीं हुई है कि आप सर्दी के लिहाज से, कुछ दिनों में पहले आया और उसने वार्मर अभी ले रखा था, वो इसका इस्तेमाल हो सकता है फ्रिज के पहले जब उसने किया हो उसमें कुछ करने के लिए, गर्म करने के लिए, क्योंकि शव को वो क्या। दूसरी चीज़ ये, आप ये देखिए कि उसकी सफाई के लिए हमें ये दिख रहा है उसका वो है यूरो, ये यूरो क्लीन करके है, वैक्यूम क्लीनर तक उसने, ताकि और भी पूरी चीज़ें की हो। आप एक ये फूड ब्लॉगर था, तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन शौक उसके देखिए, चाय पॉइंट जो एक अच्छा खासा महंगा ब्रांड है वहाँ से सामान आता था उसका। और आप देखेंगे तो, और आप डिब्बे अगर आप देखना चाहें तो ये जो ये भी एक खाने का वो था, उसमें जो कूड़े थे उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये केक जोन, शौकीन उसको देखिए, केक जोन यानी कि केक या बेकरी के सामान का भी बहुत शौकीन था। खाने के टुकड़े बाहर बहुत सारे पड़े हैं। इन सब से ये लग रहा है कि वो उसके दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो उसके क्रूरता की, उसके साजिश की को जन्म देता रहा है शुरू से। और इस घर में क्योंकि एक आध लोग रहते हैं, नीचे एक लड़का रहता है जो जो बिहार से आए हुए, उनका काम शायद ओला उबर टैक्सी चलाते हैं, उसके साथ में एक बच्चा और आया हुआ था, उससे जब बात की तो वो भी कह रहा था हम तो बिल्कुल देख जानते ही नहीं हैं। तो जो एक उसका मतलब उसका जो रूप था वो आप उससे अंदाजा, बाहर अंदर वाला आपने दिखाई दिया। और हाँ, सेहत का बड़ा प्रेमी था। डंबल भी पड़े हुए हैं जो शायद 10 किलो के आसपास के डंबल हैं ये, और वो अपनी सेहत के लिए भी बहुत सारा ध्यान रखता था। तो अपना आकर्षण उसने बनाए रखने के लिए वो सब काम करता था। यानी कि एक आदमी जितने लड़की की हत्या की हो, प्रेमिका की हत्या की हो,
और प्रेमिकाओं के को भी तय, जैसे कि खबरें चल रही हैं, बुलाता था और अपने आप को आकर्षक बनाए रखने के लिए वो इधर उधर ना जा करके, क्योंकि वहाँ एक्सपोज होने का खतरा था, घर में ही उसने छोटा मोटा जिम का भी इंतजाम कर रखा था। पूरी तरीके से उसकी ज़िंदगी ऑनलाइन चल रही थी, ये सारी चीज़ें यही बता रही हैं। चाहे उसने केक खाया हो, चाहे उसने खाना खाया हो, चाहे उसने चाय पी हो, पूरी ज़िंदगी उसकी ऑनलाइन चल रही थी। मुझे लगता है कि उसने इस घर का इस्तेमाल और केवल उस कांड को अंजाम देने के लिए किया जो वह सोच के मुंबई से चला था। बिल्कुल। 26 साल के श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस उस डॉक्टर तक पहुंच गई है जिसने आफताब अमीन पूनावाला के दाहिने हाथ पर लगे घाव का इलाज किया था। दरअसल अपने लिव इन पार्टनर के शव के 36 टुकड़े करते समय आफताब के हाथ में भी चाकू के घाव लगे थे। मई के आखिरी हफ्ते में वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया था। उसके हाथ में 5 से 6 टाके लगाने पड़े थे। पुलिस जब आफताब के घर की तलाशी कर रही थी तभी डॉक्टर को एक पर्ची मिली जिसके बाद ये बात पता चली। पंजाब केसरी ग्रुप की टीम ने डॉक्टर से बातचीत की है, क्या कुछ पता चला, चलिए जानते हैं। छतरपुर मंदिर रोड पर स्थित अपेक्स हॉस्पिटल और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल सिंह, जिन्होंने शातिर आफताब के हाथ में हुए कट का इलाज किया था, उसमें टाँके लगाए थे। हम जानते हैं कि आखिर आफताब यहाँ कैसे आया और उसने जो स्टिचिंग लगवाई उस दौरान यह क्या समझ पाए। डॉक्टर अनिल सिंह जी, आफताब किस तारीख को आपके पास आया था घाव का इलाज कराने? ये मई का मंथ था, 19 तारीख के आसपास की घटना है ये। और जब मेरे पास आया तो मॉर्निंग आवर्स का टाइम था, फर्स्ट हाफ इसी टाइम के आसपास रहा होगा, और कैजुअल्टी में लेटा हुआ था वो। फिर मैंने उससे पूछा कि कहीं मारपीट हुई है, कहीं किसी ने चाकू चलाया है, कहीं कुछ हुई मारपीट, अक्सर पूछते हैं कि कैसी चोट लगी आपको, किसी ने स्टैप किया है। तो देखने में वुंड जो है काफ़ी सुपरफिशियल लग रहा था, काफ़ी ऊपर ही था, बिल्कुल जस्ट जो है खाली स्किन थी, बहुत माइनर सा कट था, कोई ऐसा नहीं लग रहा था किसी ने चाकू मारा, स्टैप किया हो, कुछ ऐसी लग नहीं रहा, लग रहा था एक्सीडेंटल कुछ हुआ है, कहीं से कट लग गया है। तो फिर उसने बताया कि मैं फ्रूट्स कट कर रहा था डॉक्टर, और वो नाइफ मेरी स्लिप कर गई और ये हल्की सी चोट लग गई। तो मैंने पूछा भी था, देखा कोई और कोई साइन नहीं था, कोई मारपीट का, कहीं कुछ खरोच हो, अब्रेजन, ऐसा लगे कि हाँ मारपीट कहीं हुआ, कुछ हुआ है। काफ़ी बोल्ड लग रहा था वो बातचीत में, काफ़ी एग्रेशन, काफ़ी बोल्ड, और बिल्कुल आई टू आई कॉन्टैक्ट, और लगातार बातें कर रहा था, नॉन स्टॉप बोल रहा था, अपनी कर रहा था, सुन नहीं रहा था ज़्यादा, अपने बारे में बता रहा था कि कैसे इंजरी हुई, क्या हुआ है, और ये, और डॉक्टर यू नो हिंदी बात नहीं कर रहा था। तो मैंने पूछा कि हमने पूछा कि यू नो हिंदी, तो आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी, बोला नो इंग्लिश, ओके फाइन, तो सो हाउ डिड यू सस्टेन दिस इंजरी, उसने बताया कि ही टोल्ड मी, बताया कि फ्रूट कटिंग टाइम ऐसे हुआ था। फिर बात करते करते बोलता भी है कि ये डॉक्टर एक्चुअली यू नो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। तो मैंने पूछा कि व्हाई डिड यू कम टू दिल्ली, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कमिंग दिल्ली, क्यों आए, क्यों यहाँ पे, क्या काम करने आए हो? तो फिर बोला मुझसे कि एक्चुअली आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा है दिल्ली का, काफ़ी गुड़गांव वगैरह में यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, वहाँ पे इतना डेवलप नहीं है बॉम्बे का आईटी सेक्टर। तो मुझे अच्छा लगा, चलो यहाँ आसपास काफ़ी अच्छी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज इनके लिए हैं, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। तो इतनी बात हुई थी कि पर्पज़ क्या था इसका आने का। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि आफताब ने कहा कि उसे फ्रूट काटते वक्त ये चोट लगी है, तय बात है वो 19 तारीख को आपके पास आया था और वो जो घटना हुई है वो 18 तारीख को हो गई थी। निश्चित रूप से जो बात सामने है, टुकड़े किए हैं उसने शरीर के, 35 टुकड़े किए हैं अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी के, तय बात है वो फ्रूट नहीं, वो बॉडी को काट रहा था। तो क्या कुछ, जैसे कि एक इतने बड़े कांड को अंजाम देने के बाद जो उसकी मनोस्थिति थी उसको भी कुछ आप समझ पाए थे? कहीं आपको थोड़ी सी भी शंका तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के सामने आने पर जो 35 टुकड़े करके आया हो और घाव भी उसको उस दौरान लगा हो, कहीं कुछ ऐसी आशंका जिसमें कहीं भी दिमाग में कुछ आया हो आपके? नॉर्मली जो देखा है, जो कभी मोस्टली लोग काफ़ी नर्वस होते हैं, काफ़ी घबराए हुए होते हैं और आँखों में आँख डाल के बात नहीं कर पाते, पर बिल्कुल बात कर रहा था, मेरी आँखों में आँखें डाल के बात कर रहा था, और काफ़ी बोल्ड, काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी एरोगेंट था वो, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि डरा हुआ है, नर्वस है या भाग रहा है मुझसे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, आप सर्जन हैं, मेरे ख्याल से 25-30 साल से आप यही काम कर रहे हैं, बहुत सारे साइकोलॉजी का जो स्टूडेंट होता है जो आदमी,
उसको भी आप समझते हैं, क्योंकि चोट लगना, मारकाट होना, आपके जीवन में मेरे ख्याल से इस तरह का केस कभी नहीं आया हो कि किसी आदमी ने अपने प्रेयसी के टुकड़े किए। और तक कभी लाइफ में जो है, जो हम लोग करते हैं ना, अभी सर्जरी, मैं सर्जन हूँ, सर्जरी हम लोग करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लेकिन कभी इस तरह कभी घटना जो ना, तो हमने मतलब मेरे लाइफ कभी नहीं हुआ। पहली बार जब इनकाउंटर कर रहा हूँ मैं, बड़ा शॉक ही मुझे लगा। मैं उसको देखा, उस दिन आया हुआ था, पुलिस लेके आई थी, मैं बड़ा शॉक्ड हो गया देख करके कि इसने मर्डर किया है, इतने टुकड़े किए हैं, बिल्कुल समझ के परे है। अच्छा, जब पुलिस उसको लेके आई आपके पास पहली बार आपसे मुलाकात, बाद में उसके बाद जब आपके पास लेके आई, तो उसकी साइकोलॉजी आपने क्या रीड की? क्योंकि आप रोज़ डॉक्टर मरीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, उनका इलाज करते हैं, आप तब क्या, तब उसका एग्रेशन क्या था? वो दबा हुआ था, पुलिस के सामने था, दबा हुआ था, या उसको लग रहा था कि तो सब कुछ खुल गया है, या आपसे कोई उम्मीद कर रहा था कि वो आप पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे, इस तरीके का आपको लग? पहचान तो मैं तुरंत लेता हूँ, जैसे मैं नज़र पड़ते पहचान लेता हूँ कि यस, ये आदमी वही है, ये तो आफ्ताब है, और मैंने टाके लगाए हुए हैं, बॉम्बे का आदमी है, इधर दिल्ली में, सब पूरा घटना मुझे याद आया तुरंत देखते हैं। हाँ, वो तो तुरंत देखते ही मालूम सब पड़ जाता है कि आफ्ताब ही है। और लेकिन उस दिन नर्वस लग रहा था काफ़ी, डरा हुआ सहमा हुआ लग रहा था काफ़ी, जो है देखा कि आँखें मुझसे नहीं मिला रहा था वो, बिल्कुल मतलब मुझसे आँख मिला था ना आदमी, वो नहीं था, बिल्कुल आँखें चुरा रहा था, इधर उधर देख रहा था, लग रहा था नर्वस, काफ़ी नर्वस था। ये जब घटना खुली और सामने आई सभी लोगों के, तो उस समय आपको पता चल गया था कि आफ्ताब ये वही है, या जब पुलिस लेके आई तब आपको पता चला ये वही आफ्ताब है जिसकी स्टिचिंग की थी? मीडिया में तो बाद में आया है, मीडिया में बाद की घटना है, तो मीडिया में बाद में चीज़ें आनी शुरू हुई है, क्योंकि वो थोड़ा मतलब कि उसके पहले मेरे पास आए थे लेकर। निश्चित रूप से जब उसकी जांच चल रही थी उसी समय तहकीकात और जी 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 बिल्कुल ठीक है। उस टाइम तो भी असर्टेन करना है आपको क्या फैक्ट है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें होती हैं, और उस टाइम तो अभी तो पूरा सारे सबूत जुटाने हैं पुलिस को, सारी चीज़ें होनी है, तो उस टाइम तो मीडिया में नहीं था, अभी आया, जस्ट अभी आया है, दो दिन पहले आया आई थिंक। डॉक्टर साहब, इसकी उस ऐसे मरीजों की साइकोलॉजी क्या होती है, क्या उनका मनोविज्ञान क्या होता है? जब पहले तो बहुत छुपाने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि जब छः टाँके लगे तो छः टाँके का स्पेस का मतलब कम से कम 2-3 इंच रहा होगा, 3 इंच रहा होगा, तो 2 इंच रहा होगा, तो 2 इंच में क्या जब लगा होगा तो वो घाव कितना पुराना था? 24 घंटे पुराना था, 10 घंटे पुराना था, या फ्रेश था तो फिर उसमें खून बह रहा होगा? तो फ्रेश था, फ्रेश था, मतलब जिस दिन घटना की है उसी दिन का ये मामला, उसके एक दिन बाद वाला मामला, या उसके आसपास का होगा, क्योंकि चाकू उसे काट रहा था, इसके बाद का है, इसके बाद का मामला है जी। तो ये पूरा फ्रेश खून था उसका? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल फ्रेश होना था। जब आ रहा होगा तो पट्टी उट्टी बांधी थी, क्या किया था उसने? नहीं, आके लेटा हुआ था, खुला उड़ था, ऐसा खुला हुआ, खुला हुआ था, मैंने देखा उसका जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जब आपने स्ट्रेचिंग की तो उसने उफ तक नहीं की, जबकि नॉर्मल केस में दर्द होता है। आपने ये भी बताया कि उसके हाथ में टैटू बना हुआ था, टैटू किस चीज़ का बना हुआ था? मुझे याद नहीं, बट कुछ टैटू बना हुआ था उसके ऊपर ही था वो, और कुछ उसने बोला भी नहीं, जैसे पेन होता है ना, उफ बोलते हैं कि दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, मुझे पेन हो रहा है, ऐसा कुछ बोला नहीं वो, बड़े आराम से जो है स्टिचिंग उसने कराई। आपके पास वो एक ही बार आया या उसके बाद भी स्ट्रेचिंग कटाने या कुछ और करने? उस टाइम तो मैं करता हूँ स्टिचिंग, तो मैं मुखाब उनसे होता हूँ, आमना सामना होता है उनसे जो है, जब मैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में ड्रेसिंग करनी है या टाके निकालने, तो ना मुझे नहीं रहता, मैं नहीं जाता। डॉक्टर साहब, आपने उससे ये नहीं पूछा कि तुम वहाँ रहते हो फिर इतनी दूर क्यों आए हो? आसपास भी तो डॉक्टर्स हैं, मैं हम लोग जब आ रहे थे देख रहे थे कि वहाँ पे आसपास में भी डॉक्टर। एक्चुअली इस एरिया में जो है काफ़ी टाइम से जो है अकेला सर्जन में हूँ, इस एरिया में, इस पूरे इलाके में कोई सर्जन नहीं है, अकेला इकलौता सर्जन में हूँ, और ये हर कोई जानता है, कोई ट्रामा, कोई चोट लगती है, कोई सीरियस एक्सीडेंट होते हैं तो सीधा ही आते हैं पेक्स में, फर्स्ट यहाँ आते हैं, फिर आगे जाते हैं लोग एम्स में, ट्रामा सेंटर जाते हैं। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब आपसे, एक व्यक्ति जिसकी आपने स्टिचिंग की, पता चलता है बाद में कि वो इतना बड़ा अपराधी निकला है जिसने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए, क्या आप समझ पाते हैं ऐसे व्यक्ति के मनोदशा भी, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और चीज़ों को देखते समझते हैं? एक्चुअली आप देखिए तो मोस्टली जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी कुछ वेब सीरीज़ बहुत चीज़ें देख रही है, और उनका झूठ बहुत बोलते हैं लोग जो है, अक्सर देखा गया बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं हर बात पे झूठ, जैसे कि आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ और कैसे चोट लगी है, तो जब बड़ा मुश्किल होता है इनकी साइकोलॉजी समझ पाना, क्योंकि ये क्या चीज़ देख रहे हैं, कौन सी वेब सीरीज़ देख रहे हैं, क्या क्या आइडिया ले रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है इनको इस पर
बहुत डिफिकल्ट है, इनको समझ पाना, इनकी साइकिक समझना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। पुलिस आरोपी आफताब को जंगल लेकर गई, जहां उसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉलकर के शव के टुकड़े फेंके थे। आफताब की निशानदेही पर पुलिस श्रद्धा के शव के टुकड़े को खोज रही है। आफताब ने हत्या की वारदात को अंजाम देने से पहले श्रद्धा के साथ मारपीट भी की थी। इसके बाद शव के साथ भी अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। उसने शव के टुकड़े करने के बाद सभी को फ्रिज में रखा। इसके बाद चेहरा, हाथ, कलाई को जलाया था। इसके बाद उन्हें जंगल में फेंक दिया था। अब तक पुलिस को शव के कुछ टुकड़े मिले हैं, लेकिन सिर अभी तक नहीं मिला है। चलिए हम आपको ले चलते हैं उस जंगल में, जहां शातिर आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े फेंके थे। मुंबई का आफताब, जिसने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए। उसने उसे दुनिया घुमाने का वादा किया था। यही वादा करके वह उसे मुंबई से दिल्ली ले आया था। कुछ पहाड़ी वादियों में वह उसके साथ घूमने भी गया था, लेकिन दिल्ली आकर वह उसकी हत्या कर देगा और उसके शव के 35 टुकड़े करके जंगलों में फेंक देगा। यह किसी ने भी नहीं सोचा था, श्रद्धा ने तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा। लेकिन अब जब मामला खुल गया है, तो 6 महीने पहले उसने अपनी प्रेमिका की हत्या की थी और जंगलों में उसके शव के टुकड़े फेंक दिए थे। अब पुलिस आफताब को लेकर उन्हीं जंगलों में उन टुकड़ों के अवशेष खोज रही है, ताकि सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। हम उसी जंगल में, महरौली के उसी जंगल में मौजूद हैं, जहां पर आफताब ने अपनी प्रेमिका के शव के टुकड़े फेंके थे। आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है ये, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, और दिन के वक्त यहाँ पर एक अजीब सी डरावनी सी स्थिति है। रात के वक्त तो न जाने कैसी स्थिति होती होगी, लेकिन उसी रात में वह आफताब, शातिर आफताब आता था और रात के 2 और 3 बजे के करीब इन्हीं जंगलों में वह शव के टुकड़े फेंक के जाता था। आप देख सकते हैं जंगल कितना ही घना है और दूर तक यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अब यहाँ चूंकि एक तरीके से कहा जाए कि पुलिस अपना सर्च अभियान चला रही है, तो साथ में मीडिया, कुछ लोग यहाँ आने जाने लगे हैं, रास्ते बने हुए हैं, लेकिन पहले इतनी यहाँ पर चहल पहल दिन के वक्त हो सकती है, रात में तो इसकी कल्पना करना भी बड़ी बात है। महरौली के छतरपुर पहाड़ी का यह जंगल, जहाँ शातिर आफताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे, इसी जंगल में छिपे हैं सबूत, खास करके शव के टुकड़ों के सबूत, जिन्हें अब पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि काफ़ी समय हो गया है और टुकड़ों के अवशेष ही मिलेंगे, लेकिन उन अवशेषों को खोजने के लिए भी यहां पुलिस सर्च अभियान चला रही है। अभी भी मेरे पीछे दिल्ली पुलिस का सर्च अभियान चल रहा है, जहां पर आफताब को लाया गया और उसने बताया था कि कहां कहां उसने शव के टुकड़े फेंके थे। अब उन जगहों पर पुलिस की टीमें सर्च अभियान चला रही हैं, ताकि शव के टुकड़े के अवशेष मिल सकें और वह कत्ल के मामले में सबूत के तौर पर पेश किए जा सकें। लेकिन चूंकि समय अधिक हो चुका है, तो टुकड़े मिलने में मुश्किल हो रही है और सर्च अभियान के लिए टीमें काम कर रही हैं, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। देखते हैं दिल्ली पुलिस को सर्च अभियान में कितनी सफलता और कब मिलती है। आशुतोष त्रिपाठी, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।